सार्थक पहल बदलाव उनसे है में हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाग 5 पढ़ रहे थे। कल हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा जिसका प्रावधान आर्टिकल 81 में। संसद के कार्य व शक्तियां वित्तीय शक्तियां पढ़ी थी हमने कल। वित्तीय शक्तियां पढ़ ली ना, वित्तीय शक्तियां आर्टिकल 109 धन विधेयक जो है उसके ऊपर राज्यसभा 14 दिन तक विचार करती है और यदि उसके ऊपर कोई निर्णय न ले 14 दिन में तो स्वतः ही पारित मान लिया जाता। फिर हमने आर्टिकल 110 पढ़ा धन विधेयक की परिभाषा, कौन सा विधेयक धन विधेयक है और धन विधेयक है तो किस श्रेणी का है, ये कौन तय करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। यदि लोकसभा अध्यक्ष ने बोल दिया धन विधेयक है तो फिर उसे राष्ट्रपति या कोई भी न्यायालय खारिज नहीं करता, उसका एकाधिकार है, फिर उसकी कहीं अपील नहीं हो सकती। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, ये पढ़ा किसका वार्षिक वित्तीय विवरण, केंद्र सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण, क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं, इंग्लिश में बजट बोलते हैं, कभी कभी हो जाती है छोटी सी गड़बड़ी है। एलिफेंट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो लोग बस क्या बोल देते हैं, हाथी, बिना सोचे समझे एलिफेंट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाथी, और उनको पता भी नहीं चलता कि हमने कोई गलती की है करके। तो 117 में वित्त विधेयक पढ़ा अपन ने, दो श्रेणी की होती है 117(1) और 117(3). 117(1) के तहत जो वित्त विधेयक होते हैं वो धन विधेयक की तरह व्यवहार किया जाता है और 117(3) के तहत जो विधेयक परिभाषित होते हैं उसे साधारण विधेयक की तरह उसके साथ ट्रीट किया जाता है। ठीक, 114 विनियोग विधेयक, एकदम कंप्लीट याद हो गया आप लोग को, बड़ी अच्छी बात है। विधेयक के प्रकार अपन ने पढ़े थे, विधेयक, विधेयक के प्रकार साधक, तो दो प्रोसेस के आधार पर, पहला तो है पेश करने के आधार पर, दूसरा प्रक्रिया के आधार पर। तो प्रोसेस के आधार पर दो प्रकार के, सरकारी और गैर सरकारी, निजी मतलब गैर सरकारी विधेयक, और प्रक्रिया के आधार पर साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। आर्टिकल 107 के तहत साधारण विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, जब कि जिस सदन में पेश किया जाता है उसके ऊपर 3 वाचन होते हैं, 3 वाचन होने के बाद में जब यह स्वीकृत हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है, दूसरे सदन में भेजने पर उसके ऊपर वही प्रक्रिया होती है जो पहले सदन में हुई थी, और जब दूसरा सदन भी इसे स्वीकृत कर लेता है तो राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 111 के तहत इसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं, सिग्नेचर भी कर सकते हैं, स्वीकृत कर सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं या कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो कुछ भी नहीं कर सकते का मतलब क्या है, जेपी पॉकेट वीटो, है ना, जेपी पॉकेट वीटो। तो उसमें क्या होता है कि वो अपने पास रखे रहते हैं, कोई विचार विमर्श करते ही नहीं है, ये किस कंडीशन में करते हैं, मतलब कि उनको लगे कि सरकार के पास अविश्वास है, उनको ऐसा लगे कि अब सरकार गिरने ही वाली है या इन्होंने सरकार ने विश्वास खो दिया है, तब ऐसे कंडीशन में इसको स्वीकृति देके क्या करेंगे, है? तो इसलिए कोई निर्णय लेते ही नहीं। और यदि लोकसभा पारित, एक सदन पारित कर दे दूसरा नहीं करे तो फिर 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन, कौन बुलाता है संयुक्त अधिवेशन, और अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक का अपन ने पढ़ लिया, धन विधेयक केवल लोकसभा में पास किया जाता है, किसी मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाता है, मतलब ये सरकारी विधेयक ही होता है। राज्यसभा की शक्तियां इसके ऊपर बहुत ही कम है, अल्प है, वो 14 दिन तक विचार कर सकती है।
विनियोग विधेयक पर संसद से, संसद के माध्यम से यदि संचित निधि से धन निकालना हो, जमा करना हो, तो उसकी जमा करने के लिए नहीं, सिर्फ निकालने के लिए, संसद की स्वीकृति के पश्चात, स्वीकृति से संचित निधि से धन निकालना हो तो उसके लिए विनियोग विधेयक लाना जरूरी है। संविधान संशोधन विधेयक पढ़ा अपन ने, आर्टिकल 368 तीन प्रकार का होता है, साधारण विधेयक, मतलब साधारण बहुमत से पारित हो सकता है, विशेष बहुमत से पारित हो सकता है, विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति। क्या होता है विशेष बहुमत? गलती हो गई ना, विशेष बहुमत क्या है? हाँ आप बता, ये लाइन छोड़ देना, कुल सदस्यों का आधे से अधिक उपस्थित व मत देने वालों का, दोनों चीज उपस्थित व मत देने वालों का दो तिहाई, ये होता है विशेष बहुमत। साधारण बहुमत में क्या है? कुल सदस्यों का आधा, दोनों का, सबका आधा, कुल सदस्यों का व उपस्थित व मत देने वालों का 50 से अधिक, आधे से अधिक, तो साधारण बहुमत हो गया। क्लियर हो गई बात? तीन बार अभी तक संयुक्त अधिवेशन आमंत्रित किया है, तीन बार, कब कब किया संयुक्त अधिवेशन? 1961 किस संबंध में? दहेज प्रथा के लिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दोनों प्रथम, ठीक है। दूसरी बार कब लाए थे? 1978 बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के समय नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री। तीसरी बार कब लाए? 2002 में आतंकवाद निरोधक अधिनियम के समय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक। फिर इसकी प्रक्रिया पढ़ी अपन ने, प्रक्रिया संसद की प्रक्रिया, तो उसमें लेम डक सत्र पढ़ा अपन ने, पुरानी लोकसभा की अंतिम बैठक, जब नई लोकसभा का गठन हो जाता है तो कुछ ऐसे भी सदस्य होते हैं जो पुरानी लोकसभा में थे और नई लोकसभा में के वो सदस्य नहीं है, तो उनकी अंतिम बैठक होती है, इसलिए इसे लेम डक सत्र कहा जाता है। अब अपन ने प्रश्नकाल पढ़ा, अधिवेशन के शुरुआत का पहला घंटा 11 से 12 बजे का, क्या बोलते हैं इसे? प्रश्नकाल। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, मुख्य रूप से तीन प्रकार के प्रश्न होते हैं, तारांकित, अतारांकित, पूरक, सॉरी अल्प सूचना, अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित मतलब जिनका जवाब मौखिक देना होता है, मौखिक देना होता है, इसलिए इसके पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित ये लिखित में जवाब देना होता है, इनके पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते क्योंकि लिख के दे देना है, और दोनों के लिए जवाब देने का समय होता है 10 से 21 दिन, 10 से 21 दिन के अंदर जवाब देना होता है, ठीक। क्लियर हो गया? तारांकित प्रश्न है तो हरे रंग के लिफाफे में, अतारांकित है तो सफेद रंग के लिफाफे में। फिर होता है अल्प सूचना प्रश्न, त्वरित जो कोई मुद्दा है उससे संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो अल्प सूचना प्रश्न, और इसके लिए 10 दिनों के अंदर उत्तर देना अनिवार्य है। इसमें 21 दिन का कॉलम है क्या? नहीं, सिर्फ 10 दिनों के अंदर सूचना देना अनिवार्य है, और ये हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। पीले रंग के लिफाफे में कौन से प्रश्न होते हैं? पता है, कल नहीं आया, नहीं आओगे तो पढ़ पाओगे? हाँ योगेश, पीले महाराज आप तो है निजी प्रश्न, बहुत बढ़िया। निजी प्रश्न जो होते हैं वो पीले रंग के लिफाफे में रखे जाते हैं। फिर हमने शून्यकाल पढ़ा था 12 से 1 बजे तक, ये विश्व को भारत की देन, मीडिया ने नाम दिया है शून्यकाल का, या लंच ब्रेक होता था 12 से 1 बजे के बीच में, कोई कुछ नहीं करते थे, अब क्या किया इनके ऊपर उन्होंने आपस में चर्चा करना शुरू कर दिया। अब हमें पढ़ना है आज संसदीय समितियां, संसदीय समितियां, संसदीय समितियां, समितियां दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी समिति
स्थायी समितीय और दूसरा होता है अस्थायी या तदर्थ समितियां, अस्थायी या तदर्थ समितियां। अब स्थायी समितियों की बात करें तो ये सीधा सा मतलब संविधान में कहीं ना कहीं इसके बारे में नियम कानून ये वो लिखे हुए हैं। ये समिति हमेशा बनी रहती है, इसके अध्यक्ष सदस्य इनका 5 साल में 10 साल में 1 साल में 2 साल में जो भी समयावधि दी है उसमें चुनाव होते रहते हैं, उसमें चुनाव होते रहते हैं, लेकिन समिति हमेशा बनी रहेगी, इसके सदस्य और अध्यक्ष बदलते रहेंगे। काम इनका निर्धारित होता है, जो काम दिया है वही काम इन्हें करना है, 12 महीने चलते रहता है। लेकिन तदर्थ समितियां या अस्थायी समितियां होती है, क्या होती है, कोई विशेष प्रयोजन से कोई समिति का गठन किया जाता है, काम खत्म होता है, समिति भंग हो जाती है, फिर दोबारा कभी उसकी समिति गठित नहीं होती। क्लियर हो गया? तदर्थ समिति या अस्थायी समिति, कहीं भूकंप आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए, या भूकंप को छोड़ दें, किसी जैसे अभी ट्रेन दुर्घटना हुई थी कहाँ, ओडिशा में बालासोर ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना हुई थी, 3 ट्रेनें आपस में है, पहले 2 टकराए फिर तीसरी आ गई, वो भी टकरा ली, तो इसमें कहाँ लापरवाही हुई है, ये जांच करने के लिए एक समिति गठित कर देगी, और उसने रिपोर्ट दी, उस समिति का काम खत्म हो गया। गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए सुरेश तेंदुलकर जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, काम खत्म हो गया। अब लोगों को यकीन नहीं हुआ, कई विशेषज्ञ बोल रहे थे कि इसमें कुछ खामियां हैं, सरकार ने उसकी जांच करने के लिए सी रंगराजन समिति का गठन कर लिया, तो ये क्या है, तदर्थ समिति। इतिहास में यदि देखें हम तो जैसे सबसे पहले धर आयोग, एके धर आयोग है ना, राज्यों के पुनर्गठन के लिए एके धर आयोग बनाया, फिर JVP समिति बना दी, फिर फजल अली आयोग बना दिया, लेकिन ऐसे कोई स्पष्ट है क्या कि आयोग हमेशा बना रहेगा और जब देखो तब कार्यवाही करता रहेगा, नहीं, जब जरूरत थी तब हमने बना दी, तो ऐसी समितियां क्या कहलाती है, तदर्थ समितियां। क्लियर हो गया, तदर्थ समितियां या अस्थायी समितियां। अब स्थायी समितियों की बात करें तो इसमें सबसे पहले है प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति, दूसरा नाम है इसका मितव्ययिता समिति, मितव्ययिता समिति, और तीसरा है अनुमान समिति, अनुमान समिति, अनुमान समिति। मितव्ययिता, मितव्ययिता समिति क्या मतलब है इसका, मितव्ययिता हाँ जी, कम खर्च, या जहां जितना की जरूरत हो उतना ही खर्च हो करना हो, या और कोई उपाय तो नहीं है जिससे और कम खर्च में काम चलाया जा सकते हैं। यदि किसी विभाग ने कोई प्लान बनाया कि हमें इस समय में इस समयावधि में ये करना है, इसके लिए इतने रुपए की जरूरत है, तो मितव्ययिता समिति देखती है भाई इसका और कोई शॉर्टकट तो नहीं है, है? मितव्ययिता समिति सरकार के खर्च को नियंत्रित करने के लिए। कार्य क्या है इस समिति का, बजट में स्वीकृत खर्च को जांच करने के लिए, बजट में स्वीकृत खर्च को जांच करना, ये तो ये काम है इसका, मुख्य काम तो यही है। और दूसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका पर नियंत्रण। अब कार्यपालिका कौन सी कार्यपालिका है, हमारे देश में कार्यपालिका 2 प्रकार की है, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है अर्जुन,
राष्ट्रपति बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया जवाब दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन जवाब दे दिया आपने, अच्छी बात है। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा आपने, मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री होते हैं और विभिन्न विभागों के प्रमुख होते हैं इसमें, तो जो कुछ निर्णय लेना है मंत्री परिषद को ही लेना होता है, तो ये अपने फेवर में ले सकते हैं, है? तो जन पब्लिक के साथ धोखाधड़ी भी कर सकते हैं, कोई ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो पब्लिक के लिए लाभदायक न हो, है ना? चुनावी खर्च पार्टी ने जो चुनाव में खर्च किया उसकी प्रतिपूर्ति के लिए कोई नियम बना सकते हैं, कोई इतना पैसा खर्च हो गया चुनाव में, चलो अब पहले क्या करो अपना घर भर दो, तो इसके लिए भी कोई प्रयास कर सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं, कार्यपालिका पर नियंत्रण, प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखना। जिस मद के लिए, तीसरा, जिस मद के लिए धन आवंटित हुआ है, जिस मद के लिए धन आवंटित हुआ है उसी पर खर्च हुआ है या नहीं, उसी पर खर्च हुआ है या नहीं, इसकी जांच करना, इसकी जांच करना। ये तीन प्रमुख उद्देश्य है इसके, इन उद्देश्यों से मितव्ययिता प्राकलन या अनुमान समिति का गठन किया गया है। ये जब संविधान बना था ना तब इस कारण इस समिति का। अब इस समिति का गठन क्या स्वतंत्र भारत में हुआ है? नहीं, गठन यदि बात करें तो इसका गठन भारत के स्वतंत्र होने के पहले सर्वप्रथम 1938 में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए 1938 में इसका गठन हो गया। अब किस अधिनियम के तहत हुआ होगा? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1938 में इसका गठन किया गया था। और स्वतंत्रता के बाद विधिवत रूप से, स्वतंत्रता के बाद विधिवत रूप से अप्रैल 1950 10 अप्रैल 1950 लिख लेंगे, 10 अप्रैल 1950 सर्वप्रथम 1938 में और फिर 10 अप्रैल 1950। कितने सदस्य होते हैं इसमें? 22। कुल सदस्य होते हैं इसमें 30, कुल सदस्य 30, सभी सदस्य लोकसभा से राज्य सभा से नहीं। यही क्वेश्चन बनते हैं प्री के लिए। देखो हमारे मेंस के लिए तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है, डायरेक्ट, ठीक है, और प्री के लिए इसमें से एक एक लाइन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको वो जैसे प्रश्न की प्रकृति है वैसे उत्तर देना है। लेकिन क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में लगभग ये पूछा जाता है। तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30, और सबके सब कैसे होते हैं? लोकसभा से, राज्यसभा से इसमें एक भी सदस्य नहीं चुना जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति से, चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति से, और प्रत्येक वर्ष इन सदस्यों का चुनाव होता है, सदस्यों का चुनाव
होता है। अब यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्राक्कलन समिति क्या है, तो प्राक्कलन समिति स्थाई संसदीय समिति है जिसका गठन जो है 10 अप्रैल 1950 को, जिसमें 30 सदस्य होते हैं जो लोकसभा से होते हैं राज्यसभा के लिए। उद्देश्य क्या है इसका? मितव्ययिता खर्चे की जांच, भाई ये सारे काम उसमें लिखते रहेंगे। अब ये क्वेश्चन 3 नंबर में आए तो अलग लिखेंगे, 5 नंबर आए तो अलग तरीके से लिखेंगे। अब कार्य देखते हैं इसके, कार्य तो जैसे उद्देश्य होंगे सेम वैसे ही कार्य होंगे। यदि उद्देश्य अच्छे समझ में आ गए तो कार्य भी पता चल गए होंगे कि हमारे इसके कार्य क्या है। नंबर एक कार्य में बजट अनुमानों में निहित नीति के अनुकूल मितव्ययिता संगठन कार्यकुशलता प्रशासकीय कार्यों की प्रभावशीलता के संबंध में जांच करना। पहला क्लियर है कि बजट अनुमानों में निहित नीति के अनुकूल मितव्ययिता, मतलब बजट में जिस मद के लिए जितना धन दिया है उसमें मितव्ययिता का पालन किया है या नहीं। सीधी सी बात है, तो बजट अनुमानों में निहित नीति के अनुकूल मितव्ययिता, संगठन कार्यकुशलता, प्रशासनिक कार्यों की प्रभावशीलता के संबंध में जांच करना। दूसरा है प्रशासन में कार्यकुशलता, प्रशासन में कार्यकुशलता तथा मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना। अब देखो सीधी सी बात है, कोई हमारा वरिष्ठ है वो हमारे हर छोटी बड़ी चीज की आलोचना करता है, सिर्फ आलोचना करता है, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। अच्छा कब लगता है? जब वो कमी बता के उसका उपाय भी बताए। उपाय समाधान होना चाहिए, मतलब वरिष्ठ है हमारा तो उसके बाद हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए। नहीं तो कई वरिष्ठ ऐसे होते हैं तुम्हारा, तुम देखो, और छोटी छोटी बात पे डांट फटकार की, ये नहीं किया, भाई कैसे करना चाहिए तो मुझे क्या पता, ये काम नहीं होना चाहिए। वरिष्ठ तो वही होगा, अच्छा व्यक्ति वही होगा जो हमारी कमी बताने के साथ साथ उसके उपाय भी बताए। तो ये क्या करती है ये समिति, क्या करती है? प्रशासन में कार्यकुशलता तथा मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना। भी तुम्हें कहाँ जाना है? भोपाल जाना है। कहाँ से जाओगे? मैंने 4-व्हीलर कर ली है, 6,000 रुपये, मैं बोल रहा हूँ कि मैं लाना ले जाना कर दूंगा, क्योंकि मुझे 10 बजे वहाँ पर काम है, पहुँचना है। कोई उपाय नहीं है। अब प्राकलन समिति को ले लीजिए, वो तो सब ठीक है, तुम एक काम करो, सुबह 5 बजे बस स्टैंड पे जाओ, लक्ष्मी नारायण पकड़ो और 250 रुपये किराया दो, पहले सीधा भोपाल जाओ, 8:45 बजे वहाँ उतार देगी, वहाँ से ऑटो लेना आप, उसमें 50 रुपये देना और नियत स्थान पे वो छोड़ देगा। सीधी सी बात हो गई ना, मितव्ययिता, ये मितव्ययिता हो गई। तीसरा, इस बात की जांच करना कि अनुमानों में निहित नीति की
सीमाओं के भीतर ही, सीमाओं के भीतर ही धन को रखा गया है या नहीं, रखा गया है या नहीं। बजट में अनुमान देते हैं कि शिक्षा विभाग में इसके ऊपर इतना खर्च किया जाएगा, चिकित्सा विभाग को इतना दिया जाएगा। अब इन्होंने एक ही प्लान ऐसी योजना बना दी जिसमें जितना आवंटित है उससे ज्यादा खर्च हो रहा है, तो प्राक्कलन समिति मना कर देगी। तो बजट में जो अनुमान रखे हैं उसी के आसपास आपको खर्च करना है, उससे ज्यादा तो खर्च कर ही नहीं सकते। अगला, सार्वजनिक उपक्रम समिति की, सार्वजनिक उपक्रम समिति की, सार्वजनिक उपक्रम समिति की कार्यकुशलता, कार्यकुशलता एवं स्वायत्तता के संदर्भ में जांच करना, एक तीसरी। जैसे दो समितियां तो मुख्य हैं, ये प्रकलन समिति, ये वाली प्रकलन मितव्ययता या अनुमान समिति, और दूसरी होती है लोक लेखा समिति, और तीसरी होती है सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो सार्वजनिक उपक्रम समिति की कार्यकुशलता स्वायत्तता के संदर्भ में जांच कर, ये भी इसका काम है। अगला है, ऐसे विषयों की जांच करना, ऐसे विषयों की जांच करना जो जो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाए, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाए। अब हम पढ़ेंगे लोक लेखा समिति, दूसरी समिति लोक लेखा समिति, बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है। पहली प्राथमिकता इसी का एग्जाम में आने की रहेगी, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति PAC जिसे बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये रेड इसमें कवर चढ़ा है, कौन सी वो बुक, येलो कवर, लोकलेखा समिति, लोकलेखा समिति। जैसे अपन ने प्राक्कलन समिति के बारे में पढ़ा, स्वतंत्रता से पहले 1938, फिर गठन कब हुआ 10 अप्रैल 1950, कितने सदस्य होते हैं 30, लोकसभा से होते हैं पूरे, राज्यसभा से एक भी नहीं, ये अभी पता होना चाहिए। काम क्या है इसका, मितव्ययता, कि बजट में जो अनुमान दिए उसके अनुसार काम किया कि नहीं, उसी के अनुसार मतलब खर्च करने में पर्याप्त मितव्ययता का पालन किया गया है या नहीं, ये सब उसकी जांच कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं लोक लेखा समिति या PAC। तो स्वतंत्रता के पहले इसका गठन हुआ था 1921 में गठन हुआ है, तो किस नियम के तहत गठन हुआ होगा, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1919। पुनर्गठन या विधिवत जो गठन हुआ है वही 1950 में स्वतंत्रता के बाद में। प्राक्कलन समिति की जुड़वा कहा जाता है इसे, PAC को या लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा कहा जाता है, प्राक्कलन समिति की जुड़वा कहा जाता है। कुल सदस्यों की बात करें, कुल सदस्य कितने होते हैं इसमें 22,
कुल सदस्य कितने होते हैं 22 और ये होते हैं 15 और 7, 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा से। समझ में आ रहा है कुछ अर्जुन को? जी सर। प्राक्कलन समिति नहीं, अब लोक लेखा समिति पढ़े। लोक लेखा समिति का पहली बार गठन 1921 में, पुनर्गठन 1950 में। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा कहा जाता है क्योंकि दोनों का गठन साथ में हुआ 1950 में। कुल सदस्य कितने होते हैं 22, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर। एक वर्ष के लिए चुनाव, तो कार्यकाल कितना होता है 1 वर्ष। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता, सब होते सदस्य लोकसभा या राज्यसभा के ही होते हैं, लेकिन कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। कितने सदस्य होते हैं हिमलता इसके 22 है? और प्राक्कलन समिति के 30। 30 सदस्य काय के होते हैं लोकसभा के। जब इसका इस समिति का गठन हुआ था ना 1950 में, तब इसमें केवल 15 सदस्य थे। कितने थे 15, और पूरे के पूरे लोकसभा के होते थे इसमें भी, जैसे प्राक्कलन समिति में होते हैं वैसे इसमें भी पूरे के पूरे लोकसभा के होते थे। लेकिन 1953 से क्या क्या संशोधन किया और इसमें राज्यसभा के 7 सदस्यों को जोड़ दिया, तो सदस्यों की संख्या कितनी हो गई 22। कब से 1953 से, 1953 से। इसका एक अध्यक्ष भी होता है अमरदीप जी, है ना? अपन तो नहीं है पर होता तो है, विधानसभा मतलब लोकसभा का विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। मतलब परंपरा के अनुसार इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। प्रतिवर्ष इस समिति का गठन लोकसभा नियम 308 के तहत, लोकसभा नियम 308 के तहत इसका गठन। अब कार्य क्या है, कार्य क्या है? अब उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन थी, देखो गठन तो आ गया ना समझ में, पहले 1921 में गठन हुआ, फिर 1950 में। जब 1950 में गठन हुआ तब इसके 15 सदस्य पूरे के पूरे लोकसभा से, 1953 में क्या किया 7 सदस्य राज्यसभा के जोड़ दिए, तो कितने हो गए टोटल 22 सदस्य हो गए। इसका जो सदस्य होता है उसका एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव होता है, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है, 1 वर्ष के लिए इनका चयन होता है। पहले तो अध्यक्ष उन सदस्यों में से ही चुन लिया जाता था, लेकिन 1970 से ये परंपरा चली है कि विपक्ष का जो नेता होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। इस समिति का गठन लोकसभा नियम 308 के तहत किया जाता है। अब कार्य की बात करें, इसके कार्य पढ़ना है, तो सार्वजनिक धन का रक्षक या संरक्षक किसे कहा जाता है विजय? सार्वजनिक धन का रक्षक या संरक्षक सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसे भारतीय धन का संरक्षक रक्षक कहा जाता है। अब ये काम कब शुरू होता है इसका, मतलब ये समिति हर
पहले जांच नहीं करती। सीएजी जो साल भर का हिसाब किताब देता है कि किस विभाग में कितना खर्च हुआ, कितना स्वीकृत हुआ, क्या हुआ, जो वो जो वार्षिक प्रतिवेदन जब जाता है वो संसद के सामने रखते हैं, और संसद में ये जो समिति होती है लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में काम करती है, तो लोकसभा अध्यक्ष किसको दे देता है वो प्रतिवेदन? लोकलेखा समिति को दे देता है। और जैसे ही सीएजी का प्रतिवेदन लोकलेखा समिति के पास में आता है उसका काम शुरू हो जाता है। बात क्लियर है कि काम कब शुरू होता है? जब सीएजी का वार्षिक प्रतिवेदन पहुंचता है, उस प्रतिवेदन के आधार पर ही वो जांच करती है। ठीक, लिखेंगे पहला कार्य इसका, सीएजी के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन का परीक्षण करके यह देखना कि संसद द्वारा विनियोजित धन का कार्यपालिका की प्राधिकारियों द्वारा मांगों के क्षेत्र के भीतर व्यय हुआ है अथवा नहीं। दूसरा काम इसका, व्यय में की गई बुद्धिमत्ता वफादारी तथा मितव्ययिता से संबंधित जांच करना। ऐसा नहीं जैसे शिक्षा विभाग में कोई माध्यमिक शाला है, वह 15,000 रुपए दिए स्पोर्ट सामग्री खरीदने के लिए, और वो माँ साहब ने फोन कर दिया किसको, रघुवंशी स्पोर्ट्स को, तो 15,000 की राशि आई है, जो सामान लग रहा इतने में आएगा आप हमारे यहाँ भिजवा दो, स्कूल में भिजवा दो, फोन आएगा। और क्या, और उसने क्या किया, जितना भी वो पुराना सामान था, 3-4 साल पुराना जो कभी बिक नहीं रहा था, ये वो पुराना जो रेट था उसको मिटा दिया, उसकी जगह नई स्लिप चिपका दी और भिजवा दिया। बोले ये हो गया, 15,700 का था लेकिन 700 रुपये डिस्काउंट दे देते हैं, आप अपने वाले हो इसलिए, बस काम खत्म हो गया। साहब भी खुश, साहब भी खुश। तो इस तरीके से जाँच करना, फिर विवाह आएगी और देखेगी इसका कोटेशन कहाँ है, बोले नहीं लिया साहब, कोटेशन कहाँ है, नहीं लिया, तो फिर कैसे खरीदारी कर ली। अभी हमने एक मूवी देखी कल, कौन सी, जवान मूवी है क्या, जवान है ना, जवान, उसमें बड़ा अच्छा उठाया है, ऐसे मुद्दों को ही उठाया है इसमें, ऐसे बोलते कृषि मंत्री उसको बोलते कि तुमने कितना खर्च किया, क्या किया, उंगलियों पे गिन के बता, बोले मैं तो अनपढ़ आदमी को बोल, मैं क्या बताऊं, तो अनपढ़ आदमी और कृषि मंत्री देश के, ऐसे मुद्दे उठाए हैं, बड़ी अच्छी मूवी है एकदम। तो क्लियर होगा ना पॉइंट, ये भाई आपके वफादारी भी होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, बुद्धिमत्ता का उपयोग भी करना है उसमें। ऐसा नहीं कि सरकारी संपत्ति है जान लो, नहीं, जैसे अपने पैसे हम एक एक पैसा
संभाल के खरीदते हैं, खर्च करते हैं, वैसे ही सरकारी संपत्ति का भी सदुपयोग करना चाहिए। वफादारी भी होना चाहिए, बुद्धिमत्ता भी होना चाहिए, मितव्ययिता भी होना चाहिए। तीसरा, साथ ही ये जांच करना कि तीसरा पॉइंट है, साथ ही ये जांच करना कि उसी उद्देश्य पर खर्च किया गया है जिस उद्देश्य के लिए राशि आवंटित की गई है, उसी उद्देश्य के लिए खर्च किया गया है जिस उद्देश्य के लिए राशि आवंटित की गई है, उसी उद्देश्य के लिए खर्च किया गया है जिस उद्देश्य के लिए राशि आवंटित की गई है। नहीं तो अर्जुन जी है, इनको बोलते हैं मम्मी पापा ये 1500 रुपए लो, 1000 रुपए का कमरा किराए से लेना, 500 रुपए में खाना पीना करना और रहना बैतूल में, ये रहते हॉस्टल में है, अब बचे 1500 रुपए तो उसका क्या करना है। तो बोलते हैं कि हर कम से कम तीसरे दिन एक मूवी देख लेते जाएंगे, मोबाइल में बैलेंस डलवाएंगे, 4GB डाटा पर डे मिलना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चे लोग यही तो करते हैं ना, अक्सर जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं इधर बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूट और इधर उधर जाते हैं, पैसा तो मिलता है बराबर उनको, लेकिन अनावश्यक रूप से कहीं पे भी खर्च कर देते हैं। जो मूल उद्देश्य है हमारा शिक्षा ग्रहण करना, उससे तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो शिक्षा तो यार फ्री में मिलती है, लेकिन हमें क्या चाहिए, पैसे खर्च करने का मौका चाहिए। लोगों को यहाँ नहीं मिलता तो विदिशा चल जाते हैं पैसे खर्च करने, पैसे बोले यहाँ तो पैसे ही नहीं लगते सारे, तो चलो तो बाहर से कहीं से खर्च करके आ जाते हैं, 15 दिन यहाँ रहेंगे, 15 दिन दूसरी जगह जहाँ पैसे खर्च करना हो ऐसी जगह चल जाएंगे, ऐसा करते हैं लोग। लेकिन ये समिति बोलते हैं कि नहीं, जहाँ का पैसा वही खर्च होना चाहिए। यदि आपको शर्ट लेने के लिए बोला तो शर्ट लेंगे, पैंट लेने के लिए बोला तो पैंट लेंगे, बस यही है इसका। ठीक, आगे लिखेंगे, सभी वित्तीय मामलों में नैतिकता के, सभी वित्तीय मामलों में नैतिकता के उच्च स्तर मापदंडों को बनाए रखना है। जवान फिल्म में एक बड़ा अच्छा किसान आत्महत्या वाला मुद्दा उठाया, किसान के ऊपर एक किसी सहकारी समिति से उसने लोन ले लिया था, वो किसान को देखो कितना इमोशनल सीन, वो बेचारा अपने बच्चे को स्कूल पढ़ाने के लिए भेज रहा था, एग्जाम था उसका, बोले जाओ तुम स्कूल जाओ, बस में बैठा ले रहा था, उतने में वसूली वाले आ जाते हैं उनसे सहकारी समिति के और बच्ची के सामने मारपीट करते हैं उसके साथ में। वो बोलता है कि भाई बच्ची के सामने तो मत मारो, उसका एग्जाम है, तो उसके पूरे कपड़े उतार देते हैं, कितनी बेइज्जती होती होगी उसके पिताजी की, और खूब मारपीट ये, फिर भी जब वो चल जाते हैं ट्रैक्टर लेके चल जाते हैं उसका, बोले कल आना पैसे लेके आना ट्रैक्टर लेके आ जाना। वो बाप देखो कितना अच्छा कि वो जैसे बोलते बेटी ये मेरी गलती है, मैंने पैसे नहीं दिए इसलिए उन्होंने ऐसा किया, लेकिन तेरी पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, तू जा स्कूल जा, एग्जाम दे, तेरा इम्तहान है ये वो, और वो स्कूल भेज देता उसे और वो उसी पेड़ पे लटक जाता है, सुसाइड कर लेता है। ठीक, कितने मुश्किल से 700 या 800 रुपए उसके ऊपर लोन था, और उसी समय एक बड़ा बिजनेसमैन रहता है उसका 4000 करोड़ का ऋण जो है वो सरकार माफ कर देती है। तो ये नैतिकता है क्या इसमें, इसमें कहीं कुछ तर्क दिख रहा है कि माफ किसका करना चाहिए था, जिसके ऊपर 700-800 रुपए 1500 रुपए इनका माफ करना चाहिए था किसानों का, और 4000 करोड़ का यदि किसी का ऋण माफ कर दे तो अगली बार क्या करेंगे, अर्जुन जी 5000-6000 करोड़ का ले लेंगे, है ना, और क्या करना है हमें, भाग जाना है कहीं पर भी, माफ हो जाएगा। तो इस तरीके से तो ऐसा नहीं होना चाहिए,
ये लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है। राष्ट्र के वित्तीय मामलों के संचालन में अपव्यय भ्रष्टाचार अकुशलता कार्य संचालन में कमी के प्रमाण की खोज करना। उन स्वायत्त या अर्ध स्वायत्त निकायों की आय व्यय की जांच करना जहां आवश्यक रहता है तो अब बड़ा अच्छा संविधान में प्रावधान कर दिया है, लोक लेखा समिति है जांच करती, तो अब तो किसी प्रकार की गड़बड़ी होना ही नहीं चाहिए, होना चाहिए क्या? नहीं क्या भैया मर्जी, इतनी बड़ी समिति बनाई है लोक लेखा समिति और इतने सारे उसको दायित्व दिए हैं, उसने बोला है कि सारे विभाग क्या करेंगे, मितव्ययिता का, वफादारी का, ईमानदारी का पालन करेंगे। क्या ये नियम इस समिति के ऊपर भी लागू होगा? क्या भाई कि जो प्रधान है वो सबको बोलेगा कि नहीं 10 बजे आना और 5 बजे जाना, इससे पहले कोई गया तो छुट्टी कर देंगे, आधे दिन की पेमेंट काट लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, और प्रधान जो है वो 12 बजे आए 1 बजे चला जाए, कैसे काम चलेगा? काम चलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसको भी तो पालन करना पड़ेगा ना, मतलब क्या इसमें भी कुछ कमियां है, तभी तो इतने बड़े घोटाले उजागर हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी क्या किया, आंखें बंद कर ली, इसे क्या बोलते, भ्रष्टाचार, तो ये कमियां क्या है इसकी, देखते हैं हम इसके कमियां क्या है। यह समिति कमियां लिखेंगे आलोचना, यह समिति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती है, बल्कि सीएजी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर ही आगे जांच करती है, क्लियर हो गया? ये समिति मतलब शुरुआत से जांच करती है क्या? नहीं, इसका काम तभी शुरू होता है जब सीएजी अपनी रिपोर्ट देती है। यदि इसकी कार्यप्रणाली भी पूछे तो यही आएगा, इसका काम तब शुरू होता है जब सीएजी अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, बस। तो अब कुछ बातें ऐसी हैं जो उसकी रिपोर्ट में है ही नहीं, तो इसको पता भी नहीं चलेगा, फिर जो लिखा है उसी की तो जांच करेगा। दूसरी बात, समिति के सदस्य अब एक समिति 5 सदस्यों को भेज दिया, जाओ उस कॉलेज की जांच करके आ जाओ, आए हो कॉलेज में, मैंने कितने लोग हैं, इतने हैं यहाँ उपस्थित, कितने हैं, ये है छुट्टी, बाकी कहाँ गए, छुट्टी पे हैं, बस ठीक है,
मान लिया उन्होंने, हो गई जांच, ये कोई जांच हुई क्या? नहीं, उनको पता होना चाहिए नियम क्या है। वे छुट्टी पे गए तो भी क्यों गए, किस नियम के तहत गए, कौन सी छुट्टी पे गए हैं, क्या इनके पास छुट्टी बची थी, या ये छुट्टी पर गए तो क्या सादा आवेदन लिख के चले गए, या किसी उच्च अधिकारी को सूचित करके गए हैं, स्वीकृत है इनकी छुट्टी, बस ऐसे ही चले गए, ऐसे ही करते होंगे, कभी भी आवेदन लिख के रख देते होंगे, कोई आया तो सीएल लगा दो, नहीं आया तो सिग्नेचर कर दो, ऐसे ही करते होंगे। ऐसा उनको पता भी तो होना चाहिए, नहीं तो बिना मतलब योग्य न हो उसे ज्ञान ही ना हो तो काय की जांच करेगा, जो दूसरों ने बता दिया वो सही है, जो दूसरों ने बता दिया वो सही है। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, समिति के सदस्य वित्त लेखांकन प्रबंध, वित्त लेखांकन प्रबंध या अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ नहीं होते, विशेषज्ञ नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? नहीं, मतलब ये किसका कार्य कब शुरू होता है, जब सीएजी अपनी रिपोर्ट देती है, ये भी एक कमी, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती, सीएजी की रिपोर्ट को आधार बनाकर ही कार्य करते हैं। दूसरा, इसके जो सदस्य होते हैं वो विशेषज्ञ नहीं होते, प्रबंध के, इकोनॉमिक्स के, अकाउंट के, इतने विशेषज्ञ नहीं होते हैं। तीसरा, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति सरकार के नीतिगत मामलों की जांच नहीं कर सकती, भले ही नीतियां गलत क्यों ना हो, नीतियां गलत क्यों ना हो। बात क्लियर हो गई? नीतिगत मामलों की जांच नहीं कर सकती, भले ही वो नीतियां गलत क्यों ना हो। जैसे अब हमारे यहाँ का ताजा उदाहरण देखें, ताजा उदाहरण क्या बताऊंगा प्रिय, ताजे उदाहरण में क्या बताऊंगा कि नीचे पोहा बना है, पोहा जलेबी, हाँ कौन सा उदाहरण नहीं बताऊंगा, बड़ा अच्छे मुस्कुराते हैं, धीरे 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 पट खुलते हैं आपके मुंह के, हाँ आप बताओ कौन से, लाडली बहन, लाडली बहन आपको छोड़ भी दे, चलो बहनों को लाडली रहने देते हैं, तो एलपीजी की कीमतों में कमी, एलपीजी की कीमतों में कमी कर दी अभी भाई। अब यदि अब ऐसा कौन सा आपको मंत्र मिल गया, कौन सा कहाँ सस्ता मिल गया, कौन सी टेक्नोलॉजी का इजाद कर लिया आप लोगों ने जो इसकी कीमत कम हो गई, या तो अभी गड़बड़ी किया या इतने दिनों से कर रहे थे आप, या तो आप पहले से हमसे ज्यादा टैक्स ले रहे थे, या फिर अभी टैक्स माफ करके हमें रिश्वत दे रहे हो, दोनों में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। क्या ये पीएससी नहीं जानता होगा? जानता है, लेकिन ये सरकार की पॉलिसी है। अब वो इसके ऊपर जांच नहीं करता, वो ये देखेंगे इसकी सब्सिडी के लिए 3000 करोड़ दिए थे, 3000 करोड़ आपने इसकी सब्सिडी पे ही खर्च किया है या नहीं, इतनी जांच करेगा वो, तो गलत है नहीं। अब ऐसे समय में तो ऐसी मन भावन या लुभावने वाली योजनाएं होने ही नहीं चाहिए थे, ये तो बाद में होना चाहिए, चुनाव जीत कर आ गए उसके बाद में कि हम चुनाव जीते अब हम ये करेंगे, हाँ ये तो गड़बड़ है एकदम। ये आप सहमत हैं योगेश कुमार जी इस बात से? पर ये पब्लिक है, क्या ये पब्लिक है, सब जानती है लेकिन फिर भी दिखती है। चलो अगला क्वेश्चन लिखेंगे, समिति की रिपोर्ट को, ईंट का जवाब पत्थर से है ये एकदम, समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है,
क्या मतलब है ऐसे जांच करवा के ये वो चौकीदार रख दिया, बोले कि तो कोई भी आए जाए तो उसे देखना, और कोई आ गया इसने देख लिया तो दो तमाचे भी लगा दिए, इसको क्यों देखा कई बार होता है ना, देख के नहीं देख भी नहीं सकता क्या, पहचान नहीं सकता क्या, ये गड़बड़ हो गई ना एक दम, कोई मतलब ही नहीं रहा उसका। कोई समिति की रिपोर्ट जो है सरकार उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, तो फिर ऐसे समिति का कौन सा मतलब, कैसे बोल सकते हैं कि ये बड़ी महत्वपूर्ण समिति है। वो उस दरबान की तरह है जो बड़ा सा भाला लेके हाथ हाथ में बड़ा सा भाला लेके खड़ा तो रहता है लेकिन उस भाले का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और एक पॉइंट लिख लेंगे, समिति किसी व्यय के मद को अस्वीकार नहीं कर सकते, अस्वीकार नहीं कर सकते। अब इसकी आलोचना के ऊपर हिल्टन यंग क्या बोलते हैं, हिल्टन यंग पता तो होगा, हिल्टन यंग का आपको पता है कौन, 1924 में हिल्टन यंग कमिटी की अनुशंसा पर ही आरबीआई का गठन 1935 में है ना, ये 1924 में गठन हुआ था इसका। तो अब हिल्टन यंग महोदय क्या बोलते हैं, लोक लेखा समिति, लोक ये सेंटेंस रखना है क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन अब पीएससी पूछने लग गया है, और ऐसे यदि सेंटेंस यदि हम किसी उत्तर में लिख दे तो सोने पे सुहागा हो जाता है एकदम। लोक लेखा समिति यदि किसी मसले पर गुटरगू करती है, यदि किसी मसले पर गुटरगू करती है मतलब तीन पांच करती है, शादी अपनी भाषा में क्या तीन पांच गुटरगू करती है, तो वित्त मंत्रालय शेर के समान दहाड़ता है, शेर के समान दहाड़ता है, अब कुछ नहीं करेगी फिर है ना, तो वित्त मंत्रालय बड़ा हो गया इनसे। अब सिडनी वेब ने क्या कहा, सिडनी वेब क्या कहते हैं, उन्होंने बोला ठीक है अब तुम्हारा समाधान कर देते हैं, विवाद का समाधान कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा ठंडा गर्म कर दिया, दोनों को मैनेज करने की कोशिश की है। उसने क्या बोला, निसंदेह पोस्टमार्टम के द्वारा मृत व्यक्ति को पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है ना, यदि कोई एक्सीडेंट में इधर उधर डेथ हो जाए, डेथ कर जाते हैं, तो फिर क्या होता है, उनका पीएम होता है, पोस्टमार्टम होता है, तो कोई ये ना समझे कि उससे आदमी जिंदा हो जाता है। पोस्टमार्टम से किसी व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं क्या, नहीं, पर किया जाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, कारण क्या, कर लो कारण पता कर, पोस्टमार्टम का मूल उद्देश्य कारण पता करके रिपोर्ट पुलिस को देना, ये तो है ही, ये माइनर है, मेजर उद्देश्य क्या है, जांच करना कि ऐसी मौत होने से रोका जा सके, ऐसी मौत क्यों हो जाती है, क्या होती है, इसको पता करने के लिए किया जाता है। पोस्टमार्टम की शुरुआत इसलिए हुई थी, अब पुलिस का वो एक हथियार बन गया है, नहीं तो पहले काय के लिए था, एक रिसर्च के लिए था, मृत शरीर की जांच करके हम पता करें और ऐसी मौत होने से रोक सके, बचा सके, ये कारण है पोस्टमार्टम का, ठीक। लेकिन अब इतने सारे पोस्टमार्टम होते हैं कि जरूरत ही नहीं है जांच करने की, ठीक है। तो क्या लिखा है इन्होंने, सिडनी वेब ने कहा है कि निसंदेह पोस्टमार्टम के द्वारा मृत व्यक्ति को पुनः जीवित नहीं किया जा सकता, लेकिन भविष्य की हत्याएं तो रोकी ही जा सकती है, रोकी ही जा सकती है। अब जैसे कोई सोचे यार इसको जहर देके मार देते हैं, पता भी नहीं चलेगा, लेकिन
पोस्टमार्टम, अभी इसका पोस्टमार्टम होगा, पता चल जाएगा कि ये काय से मरा है, जहर से, भाई जहर इसने पिया होगा या पिलाया होगा, क्या होगा, फिर पुलिस जांच करेगी तो पकड़ में आ जाएंगे। तो लोग बाग डरते हैं ना किसी को जहर देने से, और यदि पोस्टमार्टम नहीं होता तो बेहतर। तो ऐसे ही यदि पीएससी जो है वो पुराने मामलों की जांच करे और ये गलतियां उजागर करे, तो अब जो हो गया उसको तो नहीं बदल सकते, लेकिन दूसरे मंत्री लोग ये वो दूसरे विभाग ये तो सोचेंगे सर पीएससी जांच कर लेती है, पीएससी जांच कर लेती है, सच्चाई का पता लगाती है, तो कम से कम दोबारा ऐसे हादसे तो ना होंगे, क्लियर है इनका। तो ये पढ़ा हमने पीएससी लोकलेखा समिति, लोकलेखा समिति। और इससे पहले क्या पढ़ा अपन ने, प्रकलन समिति, अनुमान समिति, इसकी भी आलोचना में हमें 2 से 3 लाइन कहीं लिखना है, आलोचना हमने पढ़ी नहीं, इसकी आलोचना करेंगे हम इसकी थोड़ी सी। नंबर 1 कहीं पे भी लिख लेंगे, नहीं जगह है तो दूसरी जगह लिख लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक मंत्रालय की एक बार की समीक्षा और दूसरे बार की समीक्षा में बहुत समय लग जाता है, बहुत समय लग जाता है। क्लियर हो गया पहली आलोचना। दूसरी आलोचना, पीएसी के समान ही इनके पास भी कोई विशेषज्ञ सदस्य नहीं होता है, कोई विशेषज्ञ सदस्य नहीं होता है। जैसे पीएसी के बाद पास पढ़ा ना अपने लोकलेखा समिति के पास में अर्थशास्त्र, अकाउंट, इसका कोई ज्ञाता विशेषज्ञ नहीं होता, वैसे इनके पास भी नहीं होता। ये भी लोकसभा से ही चुने जाते हैं, वो भी लोकसभा राज्यसभा से ही चुने जाते हैं, और अपन ने पढ़ लिया कि पढ़े लिखे तो है, कोई क्राइटेरिया तो है नहीं कि इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए करके। आगे लिखेंगे, इस समिति के सुझावों को स्वीकार करने के लिए सरकार क्या नहीं बाध्य, नहीं कानूनी रूप से बाध्य नहीं है कि इन्होंने जो सुझाव दिया है वो मानना ही होगा, सरकार की इच्छा माने या न माने, मान लेती है सरकार अक्सर, क्यों मान लेती है, मरती उन्हीं के लोग तो बनाते हैं, पहले ही बोल देते हैं कि ऐसे ऐसे कर देना, सवाल ही नहीं उठते है ना। एक और पॉइंट लिखेंगे, कई बार समिति तथ्यान्वेषण, ये इसको समझेंगे थोड़ा सा, तथ्यान्वेषण के स्थान पर छिद्रान्वेषण करती है, छिद्रान्वेषण मतलब खाना पूर्ति करना, संतुष्ट करना लोगों को, किस बात पे पब्लिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसको भर देना, फिल कर देना, ताकि कोई गलती ही नजर ना, ये काम करती है। अब हम पढ़ेंगे तीसरी समिति आज की, और वो कौन सी है, सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति,
तीनों समिति में से एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, मेंस में, ठीक है, और दोनों पेपर में है, ये पहले पता है मैंने, पॉलिटिकल साइंस वाले इसमें भी है, इकोनॉमिक्स वाले इसमें भी है, दो पेपर से संबंधित है ये। तो सार्वजनिक उपक्रम समिति या लोक उपक्रम संघ, लोक उपक्रम संघ, गठन के लिए, गठन के लिए सर्वप्रथम 1953 में, गठन के लिए सर्वप्रथम 1953 में डॉक्टर लंका सुंदरम ने मांग उठाई थी। डॉक्टर लंका सुंदरम ने मांग उठाई थी सर्वप्रथम इसकी मांग किसने, डॉक्टर लंका सुंदरम, कब, 1953 में, मतलब मूल संविधान में थी क्या ये समिति, नहीं, दो ही समितियां थी, लोकलेखा समिति और सार्वजनिक लोकलेखा समिति और प्राक्कलन समिति, इसलिए इनको क्या बोला गया, जुड़वा बोला गया, ये तीन ही। तो इन्होंने मांग की कि भाई ऐसी कोई समिति होना चाहिए। 1953 में लोक उपक्रम समिति से संबंधित प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, नहीं भैया अब ऐसी समिति हम बना लेंगे, ये प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया, 1953 में, 1953। अब बात करते हैं गठन, गठन 1 मई 1964 सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन 1 मई 1964 पेन चल नहीं रहे हैं, सार्वजनिक उपक्रम समिति, उपक्रम समिति, अब देखो मांग कब उठाई थी इसकी, मांग उठाई थी 1953 लंका सुंदरम, और एक प्रस्ताव द्वारा इसे स्वीकृत भी इसी वर्ष कर लिया, लेकिन गठन कब हुआ इसका वास्तव में, 1964, 1 मई 1964 को, ठीक, वो दोनों समितियां 1950 में और ये कब आई, 1964 में। सदस्यों की बात करें तो प्रारंभ में 15 सदस्य वही लोकसभा से 10 थे और राज्यसभा से 5, लोकसभा से 10 और राज्यसभा से 5। 1975 में इसकी सदस्य संख्या, 1975 में सदस्य संख्या कितनी कर दी, 22, 15 और 7, और 1964 में कितनी थी, 10 और 5, 1975 में कितनी कर दी, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। निर्वाचन कैसे होगा, वही एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अब कार्य क्या है, गठन आ गया ना समझ में, मांग 1953 में, गठन 1964 में, जब गठन हुआ तब 15 सदस्य थे,
10 लोकसभा से 5 राज्यसभा से। 1975 में 22 सदस्य कर दिए, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता। सदस्यों का चुनाव एक वर्ष के लिए होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर, प्रतिवर्ष होता है। तीनों समिति की बात नहीं है, प्रतिवर्ष, ठीक है। और कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कार्य लिखेंगे, नंबर एक, जिन लोक उपक्रमों के जैसे सार्वजनिक उपक्रम, जैसे इंडियन रेलवे है, डाकतार निगम है, या फिर LIC है, SBI है, ऐसे जो उपक्रम है, इसके कार्यों की जांच करना। अभी लिखना नहीं है, ये सार्वजनिक उपक्रम बताए कि ये है करते, ठीक है। तो जिन लोक उपक्रमों के प्रतिवेदन तथा लेखा की जांच करने का दायित्व इस समिति को सौंपा गया है, उसी उद्देश्य से जांच करना। क्लियर है सब? जिन लोग बोला कि LIC की जांच कर लो, और इस उद्देश्य से जांच कर लो कि भाई ये जो पैसा है इनके पास में बचा कैसे है। LIC के पास में इतना पैसा है, यदि कोई अभी पैसा जमा भी ना करे तब भी उनके पास कम नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कई लोग बीमा करवा लेते हैं, एक दो किस्त भरते हैं और भूल जाते हैं, उनका पैसा उनके पास में जमा रहता है, ऐसा ढेर सारा पैसा उनके पास में। कई लोग जैसे डेथ क्लेम वाले मामले हैं, कोई गए नहीं उनके पास में लेने के लिए, लोगों को पता ही नहीं है। जैसे किसी ने पॉलिसी कर ली, घर वालों को पता ही नहीं और एक्सपायर हो गया। कहीं जाते हैं बाहर रहते हैं, इधर उधर इंदौर भोपाल के, बड़ी बड़ी पॉलिसी लेके रख देते हैं, घर वालों को जानकारी नहीं देते हैं कि पड़ा है, ऐसा ढेर सारा पैसा है जो उसके पास पड़ा हुआ है। तो अब जिस उद्देश्य से भेजा है ना, उसी उद्देश्य से जांच करेंगे, दूसरे उद्देश्य से नहीं, ठीक। अगला, CAG ने यदि किसी लोक उपक्रम पर अपना प्रतिवेदन दिया हो तो जांच करना, जांच करना। तीसरा पॉइंट, लोक उपक्रमों की स्वतंत्रता तथा मितव्ययिता के संदर्भ में जांच करना, वो अन्य कार्य जो उन्हें सौंपे गए, अब कमियां क्या है इसकी, दोष इनके भी हैं, सेम वैसे ही आएंगे जैसे इनमें होता है। तो पहला दोष तो ये है कि सरकार की प्रमुख नीतियों से संबंधित प्रकरणों की जांच नहीं कर सकता। अब जैसे रेलवे सार्वजनिक उपक्रम है, अब इसका निजीकरण किया जा रहा है, ये सही है या नहीं है, इसकी जांच ही कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि सरकार की पॉलिसी है। तो ऐसे सरकार के जो नीतिगत मामले होते हैं उनकी ये जांच नहीं कर सकता है। दूसरा, बहुत से सरकारी उपक्रम
बहुत से सरकारी उपक्रम। इस समिति की जांच के दायरे से बाहर रखे गए हैं, जांच के दायरे से बाहर रखे गए हैं। लास्ट पॉइंट लिख लेंगे एक और। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर संसद में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है, और वर्तमान समय में तो ऐसी समितियों की जरूरत ही नहीं है सरकार को। क्लियर हो गया इतना? कौन सी समिति पढ़ा पढ़ने? सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो तीनों समितियां जो स्थायी समितियां है हमने पढ़ ली। अगला जो टॉपिक होगा कल जो हम पढ़ेंगे वो होगा संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित। बड़ा महत्वपूर्ण होगा, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके बाद में हम भाग 6 पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।